मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 21 जून तक आयोजित होगा। इस फेस्टिवल की 16 जून को शुरुआत हुई थी। फिल्म फेस्टिवल के तहत देश विदेश की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इस बार फेस्टिवल की खास बात यह है कि मुंबई के अलावा कोलकाता, पुणे और चेन्नई में इन फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। नई फिल्म मेकर्स के लिए यह फेस्टिवल काफी महत्वपूर्ण है। विश्व के चुनिंदा फिल्म फेस्टिवल में शामिल मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिने प्रेमियों के लिए आ पहुंचा है। 18वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है और साथ ही फिल्म निर्माताओं को सरकार अनुदान भी दे रही है। उन्होंने फिल्म व डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं के साथ एनिमेशन निर्माताओं से भी इसका लाभ उठाने की अपील की। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को इस वर्ष के प्रतिष्ठित डी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार MIFF के प्रत्येक संस्करण में वृत्त चित्र फिल्मों और भारत में इसके आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म निर्माताओं को प्रदान किया जाता है।